तो भाई किसी भी इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात गुजर जाते हैं कि जो उसको याद रखता है और वो उसकी मेमोरी बन जाती है। तो हम देखेंगे हमारे 2019 के क्या क्या वाकयात गुजरे और जो हम मुझे आज तक याद। भाई 2019 में मैंने बड़ी तगड़ी मेहनत की YouTube पे और मैंने 70 व्लॉग शूट किए और अपलोड किए। कभी आप मेरे साथ लाहौर गए हैं? नहीं गए ना, आज चलते हैं लाहौर। बकरे के सेक्शन में आया हूँ जहाँ पे बकरे वगैरह होते हैं। तो जिस तरह हम आमतौर पर वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत सेटअप करते हैं, इसलिए फिल्म चल रही है और उसका सेटअप। दुनिया में किसी भी जगह दो किस्म के मेले होते हैं, एक सकाफती मेला और एक मजहबी मेला। लेकिन आज जिस मेले में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे सकाफती मेला भी हो रहा है और मजहबी मेला। सेकेंड डे ऑफ सेवन अप फूड फेस्टिवल और आज भी दिन है, आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है क्योंकि आज बड़े सिंगर्स आ रहे हैं और नेक्स्ट लेवल सीन होने वाला आज भी। लेकिन जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं अंदर, हम लेट हो गए। आज हम बताएंगे कि भूंडी कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। बहुत सारी एग्जाम है, इसी वाली बताएं जो हम भी कर सके। किसी वाले देख के तुम रोई को आप लोगों से मिलने, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ज्यादा मैंने सुना था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों के कॉलेज में हूँ, आप सबके साथ हूँ। यूनिवर्सिटी मैं जा रहा है मेरे उसके बाद हमारी तूफानी पेस्ट्रीज, मजबूर से सैंडविच थे हमारे और उसके बाद लेजेंडरी रोल्स। अच्छा, ये मजबूर मुझे, मुझे ये तो बताए कि हर एक बंदे ने मजबूर क्यों रखा है। जज साहब तरीक पर तरीक डालते हो, जज साहब ये कैसी बात है। मैम वो देख के बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे मुबशर भाई अपनी वीडियोस बनाते हैं और आज हम वो जगह देख रहे हैं और हमें इंतहाई खुशी हो रही है और उनसे उनके बच्चों से भी मिले हैं और उनकी अम्मी। मैं आया था करतारपुर और यहाँ पे उसके बाद मैंने शुरू किया मिशन सियालकोट। मिशन सियालकोट मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं कुछ ऐसी जगह पे गया भी नहीं था, मैंने आज तक देखी भी नहीं थी और मैंने उस मिशन सियालकोट के बाद वो जगह भी देख ली। तो हमने एक्सप्लोर किया सबसे पहले सियालकोट की सबसे तारीखी और कदीमी जगह इमाम साहब। इमाम साहब इस टाइम मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल पार्क में। अडब जूरियां एक बहुत पुरानी और सबसे पुरानी, मतलब सियालकोट में सबसे पुरानी फूड स्ट्रीट है और ये फूड स्ट्रीट कम अज कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी इंसान जो शायरी से मोहब्बत रखता है उसको बुला नहीं सकता। और वो जगह है अल्लामा इकबाल का घर, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसके बाद हमने तो कुछ बनाया नहीं। 200-300 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन है जब से अंग्रेजों ने ये बनाया है। लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि आप किसी यूरोप के हॉस्पिटल में आ गए। तो सियालकोट की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी और यहाँ पे तकरीबन हज़ारों साल पुरानी बुक्स पड़ी हुई हैं और मैं यहाँ और बेसिकली जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ ये पीछे मंदिर है और ये किला कैसा था और इसकी बिल्डिंग कैसे थी। हाँ तो भाई ये हॉकी स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, इसका नाम है शेख मौला का तालाब। सियालकोट का जीरो पॉइंट है ये चौक और दरमियान में जीरो भी बना हुआ है। जगह भी मौजूद है कि जब पाकिस्तान और इंडिया बना था और सबसे पहले यहाँ पे कैंप लगा था और लोग यहाँ पे रहते थे। एक हिस्ट्री है कि यहाँ पे जो बाबा जी थे गुरु नानक साहब वो यहाँ पे आके बैठते थे और जिस बेरी के नीचे बैठते थे। हाँ तो भाई इस टाइम मैं मौजूद हूँ सियालकोट के चिनार स्टेडियम में। मिशन सियालकोट का फेज़ वन कंप्लीट हो चुका है और फेज़ टू इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आएगा और वो होगा उससे हट के, क्योंकि फेज़ टू है तो हट के ही होना चाहिए। व्लॉग्स बनाता गया और उसके ही दौरान मुझे इनविटेशन मिलने लगे इवेंट के और मैंने बहुत से इवेंट कवर किए और मुझे इंतहाई खुशी होती है क्योंकि जब आपको आपके काम के मुताबिक कोई काम मिले, मतलब एजाजी काम मिले, तो आपको इंतहाई खुशी होती है। प्यारा ओ सोना कदे मिलदा सी।
यार ये अपना कार्ड ले लो, देखो जैन भाई को ऑफिशियली इनवाइटेड है जैन भाई। और उसके बाद मैं गया करतारपुर, और करतारपुर पे मैंने ऐसी कोई शानदार वीडियो बनाई, मतलब मैं शानदार नहीं कह रहा, आप लोगों ने कहा था, मतलब अगर आपने नहीं देखी तो देख ले। तेरी मोहब्बत, तेरी मुरब्बत, तेरे प्यार दे तोहफे बदले, मेरे कोल ता सब तो महंगी एहो शै है, मैं शुकराना लेके आया हाँ, मैं शुकराना लेके आया हाँ, महंगा यारा सोनिया खाना, दिल दिया शहंशाह खान इमराना, तेरी खातर दिल नजराना लेके आया हाँ, दिल नजराना लेके आया। और 2019 में ही मुझे 1K सब्सक्राइबर की एक फैमिली मिली आपकी, और इंतहाई मज़ेदार लेवल हो गया तब जब मुझे पता चला कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अपनी मेहनत का फल बहुत लेट मिला, लेकिन मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप मिलते जा रहे हो और फैमिली बढ़ती जा रही। उसके बाद एक दो इवेंट्स और मैंने कवर किए और इस साल का एंड हो गया। मेरे 2019 के रेजोल्यूशन तकरीबन 50% पूरे हो गए इसको लेके, लेकिन 2020 में हमने रेजोल्यूशन कुछ नेक्स्ट लेवल सेट किए हुए हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम सब्सक्राइबर 5000 पूरे करेंगे 2020 में, कोशिश तो 10K की है लेकिन 5000 तक उम्मीद है कि हो जाएंगे। और ये थी मेरी कुछ खूबसूरत यादें 2019 की, और उम्मीद करता हूँ कि अगर हमने 2020 में भी व्लॉग बनाए और हम अगर इस यूट्यूब पे रहे तो आपके लिए अच्छी अच्छी, मतलब अगले साल के लिए यादें बनाएंगे और ऐसे ऐसे व्लॉग बनाएंगे। और हम मिलते हैं फिर आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, और अभी थोड़ा रिलैक्स करना यार, बड़े व्लॉग मैंने बना दिए, अभी हम मौका देते हैं कुछ दूसरे लोगों को, वो भी आए, वो भी बनाएं, और हम मिलते हैं फिर आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।